वजह हमारा चैप्टर खत्म हो रहा था इकोसिस्टम और इकोसिस्टम में एक टॉपिक रहता है दैट इज एकोलॉजिकल सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेसन्स कुछ नहीं है जहाँ पर न्यू स्पीशियस किसी नया एनवायरमेंट में न्यू स्पीशियस बने न्यू लाइफ आए ठीक है जैसे हमारे पास फॉर्म्ड न्यू एनवायरनमेंट न्यू लाइफ दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेस राइट इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर अ टाइम राइट दैट इज़ अ पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ जिकल सक्सेशन हम लोग बेसिकली इसमें देखें कि जैसे वॉलोज एरप्ट होते हैं ठीक है वहां पर थोड़ा सा एक लेक फॉर्म होता है और उस लेक से क्या होती है एक लाइफ फॉर्म हो जाती है ठीक है मतलब लाइफ कैसे आती है आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे वॉलिनोज एरप्ट हो रहे हैं ठीक है वॉलिनोज एरप्ट होने से क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए जैसे वाटर फ्लो हो रहा है और इस वाटर फ्लो से क्या होगा फॉर्म लेक फॉर्म होंगी और लाइफ कम्स राइट एक बेसिक सा आइडिया राइट जैसे सक्सेशंस अगर हमारे पास क्या होता है ठीक है जैसे हम लोग बात करते हैं सक्सेशन की जैसे सक्सेशन इन पाउंड राइट अगर पाउंड में सक्सेशन होती है उसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रिक कंडीशन क्या बोलेंगे अगर पाउंड में सक्सेशंस होती है तो हाइड्रिक कंडीशन बोलेंगे ठीक है रॉक पे सक्सेशंस होती है तो क्या बोलेंगे जेरिक कंडीशन बोलेंगे क्या बोलेंगे जेरिक कंडीशन सक्सेशंस का मतलब कोई न्यू लाइफ अगर पाउंड में आ रही है तो हाइड्रिक कंडीशंस कोई न्यू लाइफ न्यू एनवायरनमेंट अगर रॉक पे बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे जैरिक कंडीशंस राइट आफ्टर थाउजेंट ईयर है ना जैसे ये पाउंड है हाइड्रिक कंडीशन पाउंड कन्वर्ट इन स्टेबल कम्युनिटी ठीक है पाउंड जो होगा एक स्टेबल कम क्लाइमैक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे देखिए ऐसे करके ठीक है ये प्लांट्स बन जाएंगे फिर हमारे पास क्या होता है जैसे सक्सेशन जैसे रॉक ब्रेक होके के सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाती है और इस सक्सेशन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से एक हमारी पॉइनर स्पीशीज बनेगी और रॉक पे कोई न्यू स्पीशीज या न्यू इन्वायमेंट बनता है तो उसको पॉइनर स्पीशीज कहते हैं पॉइनर से लाइकन्स बनेगा लाइकन्स कुछ इन्जाइम रिलीज करेंगे जिससे ब्रायोफाइट बनेगा ब्रायोफाइट से क्या होगा फर्न प्लांट बनेंगे और फर्न प्लांट से हमारे पास स्मॉल प्लांट बनेंगे और स्मॉल प्लांट्स से हमारे पास क्या बन जाएगी एक स्टेबल स्टेबल कम्युनिटी जिसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं मतलब न्यू लाइफ प्लांट्स एनिमल्स ग्रास दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन वजह इसमें नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेबल कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है जहां पर आपका फुली फॉरेस्ट हो न्यू लाइफ हो प्लांट्स हो एनिमल्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टेबल कम्युनिटी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी अब जो स्टेजेस होती हैं किसी भी स्टेबल कम्युनिटी की तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सीर सीर का मतलब है देखिए जैसे हमारे पास क्या है पाइनर स्पीशियस से क्या बन रहा है जैसे पाइनर स्पीशियस से लाइकन बनेगा लाइकन से ब्रायोफाइट ये स्टेजेस हैं दी कंप्लीट सीरियस सीक्वेंस स्पीशियस दी स्टेज इज दैट नोन एज सीरीज सीर क्या हो गया स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी और स्टेबल कम्युनिटी जो है उसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी डन आपको कभी भी डाउट uh, हो कि पाउंड से जो लाइफ स्टार्ट होती है एक पाउंड है वो कहाँ से बना वालकनोज एरप्शन से एक पाउंड बना है और उस पाउंड में थाउजेंड ईयर्स के बाद अगर वो पाउंड कन्वर्ट होता है एक क्लाइमेक्स कम्यूनिटी में प्लांट्स बन जाते हैं वहाँ पर तो वैसी सक्सेशन को हम हाइड्राक कंडीशंस कहते हैं हाइड्राक सक्सेशन अगर रॉक ब्रेक होकर सॉइल में कन्वर्ट होती है और एक न्यू स्पीशीज बनती है उसको हम बोलते हैं जैराक कंडीशंस और रॉक ब्रेक होकर एक न्यू प्लांट्स के बनने तक जितनी स्टेजेस आती हैं उसको शेर कहते हैं ठीक है और लास्ट में जो एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं जिसमें प्लांट्स एनिमल सब न्यू एन्वायरमेंट न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाती है डन बचे अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कॉलोजिकल सक्सेशन आपको पाँच नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड पूछ सकता है और नीट में भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं वट इज सीर वट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी वट इज जेराक वट इज हाइड्रॉक ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है ये कुछ बेसिक्स हैं आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सक्सेशन में हमारे पास एक पॉइंट आपको याद रखना है इट इज अ इट इज अ काइंड ऑफ सक्सेशन विच आकर्स आर स्टार्ट फॉर्म द बेरन एरिया सच एज न्यू फॉर्मड पाउंड रॉक वेलकिनोज समझ में आ गई प्राइमरी सक्सेशंस वो होती है जहाँ पर पहले कुछ नहीं हो खाली एरिया हो है ना वर्कनोज एडप्ट होके कोई न्यू स्पीशीज बने या रॉक के ब्रेक होने से कोई न्यू स्पीशीज बने या पाउंड के कन्वर्ट होने से कोई न्यू स्पीशीज बने उसको प्राइमरी सक्सेशंस कहते हैं डन सेकेंडरी सक्सेशंस में क्या होता है देख लीजिए सेकेंडरी सक्सेशंस विच अकर्स इन द एरिया वेयर देयर वॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ प्रीवियसली हो सकता है कि पहले वहाँ पर कोई लाइफ थी ठीक है प्रीवियसली लाइफ वहाँ पर थी बट गॉट अबेंडेंट है ना खत्म हो गई ड्यू टू नेचुरल डिस्टर्बेंस नैचुरल डिस्टर्बेंस सच है फ्लड सुनामी अर्थक्वेक फायर फॉरेस्ट ठीक है तो सेकेंडरी सक्सेशन वो होती है जहाँ पर आग लगने से दोबारा कोई स्पीशियस बन रही है या फ्लड आने से दोबारा स्पीशियस बन रही है या अर्थक्वेक आने से सुनामी आने से दोबारा स्पीशियस बन रही है जो पहले ख़त्म हो गई थी फिर से दोबारा बनी सेकेंडरी बट जहाँ पर पहली बार स्पीशियस बन रही हैं वो है प्राइमरी फर्क है ना बच्चे जहां पर पहले बहुत हरा भरा था एकदम से आग लग गई उस पर दोबारा से स्पीशीज बन रही हैं प्लांट्स एनिमल्स है ना तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे बट जहां पर कभी कुछ नहीं था पहली बार रॉक के ब्रेक होने से सॉइल बनी और सॉइल पे न्यू स्पीशीज बनी दैट इज अ प्राइमरी सक्सेशंस ठीक है अब देखिए इसमें जैसे आपके पास है लाइफ फॉर्म्स टाइम थाउजेंट ईयर्स प्राइमरी स्पीशीज को बनने में कितना टाइम लग सकता है थाउजेंट ईयर लग सकते हैं बट सेकेंडरी सक्सेशन होने में कितना टाइम लग सकता है सेकेंडरी सक्सेशन में जो न्यू स्पीशीज बनती है उनमें कितना टाइम लगेगा नियर अबाउट फिफ्टी टू वन फिफ्टी ईयर्स ठीक है प्राइमरी सक्सेशन में प्रीवियस कम्युनिटी जो होती है वो एबसेंट होती है और सेकेंडरी सक्सेशन में प्रेजेंट प्रीवियस कम्युनिटी रहती है प्रीवियस कम्युनिटी कोई ना कोई रहती रहती है ठीक है कम्युनिटी का मतलब कोई लास्ट सीड रह सकता है वहाँ पर कोई ऐसी स्पीशियस रह सकती है सेकेंडरी सक्सेशन में पॉइनर स्पीशियस लाइकन एंड मॉस लाइकन और मॉसिस जो हैं ये बच्चे पॉइनर स्पीशियस हैं ये प्राइमरी सक्सेशन से ही बनते हैं सीड रूट ऑलरेडी प्रेजेंट किसके केस में सेकेंडरी सक्सेशंस के केस में फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स किस में आपको देखने को मिलेंगे पॉइनर प्राइमरी सक्सेशंस में स्लो ग्रोइंग प्लांट्स आपको दिखेंगे सेकेंडरी सक्सेशंस में बच्चे लीस्ट स्टेबल होते हैं प्राइमरी सक्सेशन वाले प्लांट्स जैसे मॉइसिस लाइक और हाई स्टेबल होते हैं सेकेंडरी सक्सेशंस वाले प्लांट पॉइंट स्पीशीज़ इसमें होती हैं मतलब जो शुरू से ही बनती हैं और इसमें ट्रीज वगैरह आ जाते हैं जो सेकेंडरी, सेकेंडरी सक्सेशंस में विच इज मोर स्टेबल ठीक है बच्चे तो ये डिफरेंस था हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशंस का ये भी आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो पाउंड सक्सेशन होती है बच्चे बच्चे जैसे पाउंड में सक्सेशन होती है देखिए फाइटोप्लैंगटोन होते हैं इनमें क्या होती है फोटोसेंथिसिस होती है क्या होगा इनमें फोटोसेंथिसिस होगी इनमें फोटोसेंथिसिस होगी ठीक है तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो बॉटम पे होते हैं ठीक है इसमें कुछ जो प्लांट्स हैं वो कहाँ हैं बॉटम पे हैं इनको हम बोलते हैं सबमर्ज रूटेड प्लांट्स क्या बोलेंगे सबमर्ज्ड सब मर्ज रूटेड प्लांट्स बोलेंगे जो पाउंड के डेप्थ पे होंगे और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं रूटेड फ्लोटेड प्लांट्स जो मतलब पाउंड से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं ऐसी पाउंड की सक्सेशन होती है और कुछ प्लांट्स होते हैं फ्लोटेड प्लांट्स देखिए यहाँ पर आगे कुछ होते हैं रूट स्वयं प्लांट आपको याद रखना है फाइटो फाइटोप्लैक्टोन से पहले कौन सा प्लांट बनता है सब मर्ज रूटेड प्लांट्स पाउंड में जो सक्सेशन होती है फिर उसके बाद रूट फ्लोटेड प्लांट्स बनते हैं फिर उसके बाद फ्लोटेड रूट्स प्लांट बनते हैं फिर उसके बाद हमारे पास रूट स्वयं प्लांट्स बनते हैं और फिर उसके बाद मार्श मिडो प्लांट्स बनते हैं और फिर श्रब प्लांट्स बनते हैं और फिर लास्ट में जाके ट्रीज बनते हैं तो ये सिक्वेंस याद रखना आपने कि पाउंड में सक्सेशन कैसे होती है बच्चे न्यूट्रंट साइकिल्स क्या होता है बायोजियो केमिकल साइकिल हमने पहले भी देखा था बायो का मतलब लाइफ होता है जियो का मतलब अर्थ बायोजियो केमिकल साइकिल्स ठीक है न्यूट्रंट साइकिल दो टाइप के होते हैं गैशियस साइकिल्स भी हम बोल सकते हैं इनको ठीक है और फास्फोरस साइकिल्स भी बोल सकते हैं ठीक है न्यूट्रन साइकिल दो टाइप के हैं फास्फोरस साइकिल्स एंड गैशियस साइकिल्स ठीक है गैशियस साइकिल्स मतलब गैशियस साइकिल्स को हम कार्बन साइकिल भी बोल सकते हैं डन और फास्फोरस साइकिल्स को हम सेडिमेंट्री साइकिल्स भी बोल सकते हैं ठीक है अमाउंट ऑफ मिनरल्स फॉर्म विच फॉर्म ऑफ इफ गैशियस अगर जो गैशियस से कोई मिनरल्स बनता है ठीक है तो कार्बन से बनता है तो तभी इसको हम गैशियस साइकिल्स कहते हैं ठीक है अब देखो इसमें क्या है बच्चे जैसे हमारे पास क्या सिंपल आपको थोड़ा ध्यान देना है जैसे ये जो हमने एक एरिया बनाया है यहाँ पे ये आ गया हमारा पाउंड और ये आ गई हमारी लैंड ठीक है ये लैंड भी बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे और सी भी बता रहे हैं ठीक है सी में क्या होता है कार्बन सिक्विस्टेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सोर्स ऑफ कार्बन जो होता है वो वाटर होता है क्योंकि कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा ओशंस में फिक्स किया जाता है ठीक है ओशंस में डायटम्स और प्लांट्स होते हैं जो कार्बन को फिक्स करते हैं ठीक है बेटा और अब देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन इज रिजोल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है देखिए अब इसमें क्या रहता है कि जो हमारे लैंड पे है लैंड पे है लैंड पे क्या होते हैं ह्यूमन प्लांट्स ऑटोमोबाइल फायर प्लांट्स ठीक है plants, fires, plants, ये सारे क्या रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले जाएगी एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में से सीओ टू को फिक्स किया जाएगा प्लांट के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है अब देखिए एटमॉस्फेयर में भी सी ओ टू गई उसको भी प्लांट्स के द्वारा फिक्स किया जा रहा है फिर उसके बाद प्लांट्स कार्बन से कार्बन को फिक्स करता है दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अब जो ये प्लांट्स एनिमल्स ऑटोफायर्स ये सारी चीजें जब डिकम्पोज हो जाती हैं तो ये रिलीज करती हैं सी ओ टू वो भी एटमॉस्फेयर में जाके फिक्स हो जाती है तो कहने का मतलब है दीज आर द गैशियस साइकिल्स कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है अब आप लोगों को देखना है कि फास्फोरस क्या होता है देखिए फास्फोरस फॉस्फोरस उसका लीस्ट रोल होता है कि एटमोसफेयर ओनली वाटर का छोटा सा मतलब धूल उड़े तो फास्फोरस इन एयर ठीक है तो मतलब जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये देखिए फास्फोरस साइकिल्स क्या है एक रॉक है और रॉक क्या है रिजर्व फास्फोरस इन रॉक ठीक है फास्फोरस रिच अब इस पर क्या होगा रॉक पे वेदरिंग होगी और ये केमिकल रिलीज होगा ये केमिकल इजिली क्या हो जाएगा प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ जो है रन ऑफ वाटर रिलीज हो जाएगा और ये प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर है इसको कौन खाएगा हर्बिवोरस विच इज़ अ कंज्यूमर और फिर इस हर्बिवोरस को कौन खाएगा कार्निवोरस इसका क्या होगा आगे डेट्रीवरस बन जाएगा जब इसकी डेथ हो जाएगी और फिर दोबारा से सॉइल इसको एब्जॉर्ब करेगी और दोबारा प्लांट इसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा ठीक है बच्चे तो कहने का मतलब है दीज आर फास्फोरस साइकिल्स ठीक है और जो हमने पहले पढ़ा था विच इज़ अ गैशियस साइकिल्स और उससे पहले हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ी दिस इज़ ऑल अबाउट योर इकोलॉजिकल सक्सेशंस ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया बच्चे ये स्लाइड सारी अपनी नोटबुक पर लिख लें किसी भी बच्चे को कभी भी कोई भी डाउट होगा तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में एक आध कॉन्सेप्ट आपको बता दिया करेंगे इसका थैंक यू